एक भक्त ने प्रश्न किया कि जैसे आप बता रहे हो कि 1 लाख जीवों का ये आहार करता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, तो जो 25,000 प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं वो कहां जाते हैं और फिर ये 25,000 आए कहां से, ये भी मन में शंका आती है। ये जितने भी आत्माएं यहां पर 21 ब्रह्मांड में आई नहीं थी वो पहले ही आ चुकी हैं। अब उनको मानव शरीर 25,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, फिर ये मर जाती हैं, उनको कभी चीटी बना दिया, कोई गधा बना दिया, एक चीटी के बिल में ना जाने करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में बनाकर ठोक दिए इस काल भगवान ने, इसीलिए 84 लाख जोनिया बनाई इसने और नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है। ये आना जाना कहीं नहीं है, ये पहले जितनी आत्माएं आनी थी इस माई के अंदर प्रवेश है और ये इस निरंजन की आज्ञा से उत्पत्ति करती है और साथ में फिर इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया, रजोगुण प्रभावित करके, विषय वासनाओं में से प्रभावित करके ये सभी जीवों से स्वयं ही उत्पत्ति करवाते हैं। इसका प्रथम का उत्तर ये हुआ। दूसरे भक्त ने प्रश्न किया कि निरंजन ने जब तप किया, क्या प्रभु कबीर साहब को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके मन में क्या है? कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं और ये जानी जान है, ये हृदय की भी जानते हैं। जब इस ज्योत निरंजन ने तप किया, कबीर परमेश्वर ने उसी समय सोच लिया था कि ये गलत रास्ता अपनाया है और साथ में हमारे हृदय में जो कमियां आई थी इस निरंजन की तरफ हम आसक्त हो रहे थे, तब भी कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की थी कि इस नादान की नादानी मत देखो, तो हम हृदय से तो इसको चाहते रहे और ऊपर से हम चुप रहे। और परमेश्वर कबीर साहब ने मालूम था कि ये क्या चाह रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि कबीर परमेश्वर ने जो सर्वप्रथम जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसको कन्या लड़की ही क्यों बनाया, किसी और रूप भी बना सके थे, पुरुष ही बनाकर उसके पास भेज देते हैं। अब ये तो आपके मन में काल स्वयं विद्यमान है, ये काल ही है और काल ऐसे ही ऊटपटांग आपके मन में खरपतवार पैदा करता रहेगा। जब पहले आप लोग और हम भी देवी देवता हनुमान जी श्याम जी ब्रह्मा विष्णु महेश की माताओं की सब पूजाएं करते थे, कभी मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई और जब ये अपने प्रभु को पहचानना चाहती है आत्मा, उस समय ये काल तीव्र हो जाता है, सैकड़ों शंकाएं उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। प्रथम तो ये कारण आप समझ लेना कि आपके अंदर अगर ऐसी उथल पुथल हो रही है ये काल प्रेरणा है, फिर भी समाधान सदगुरु आपको पूरा देंगे। कबीर परमेश्वर जानी जान है, उन्होंने इस लड़की का कन्या रूप जरूर बनाया था लेकिन इनके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, ये योनि नहीं बनाई थी और साहब देखना चाहते थे अगर ये ठीक ठाक रहेगा ये काल तो यहां रहेगा 21 ब्रह्मांड में आराम से रहेगा और ये आत्मा जो लड़की रूप में प्रकृति है माया है तो ये इसकी उत्पत्ति यहां कर देगी इसके जीवों की और वहां बहुत अच्छा शरीर बनेगा, नूरी शरीर बनना था सबद शक्ति तय। और यदि गलती करेगा इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो इसकी नीचता का पता लगेगा, पता तो था मालिक ने कि दोनों में से कोई सा भी कर सकता है
और साथ में हमने जो अपनी पतिव्रता पद से हम गिरे थे, हमें भी अक्कल लगानी थी कि एक बार ये काल के जलों में चले जाएंगे, उस काल के दुख ने उठा लेंगे और फिर मैं इनको वापस लाऊंगा, ये फिर कभी नहीं भटकेंगे। अब लड़की इसलिए बनाया कि ये इसको, ये अगर इसके साथ दुष्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो इसको श्राप लगेगा 100,000 मनुष्य शरीरधारी जीवों का आहार करने का, और इसकी फिर मजबूरी होगी काल की कि मानव शरीर ये जरूर बनाएगा, नहीं तो ये मानव शरीर नहीं देता। ऊपर देव बनाता, देव रूप में इतना सुख होता इस प्राणी को, ये प्रभु को याद नहीं करता। अब इसकी उस जाने जान परमात्मा ने पहले इसकी पर काट दी थी, चल बेटा किसी तरह चल ले तू। अब हम, इसने वहां गलती की, बदमाशी करना चाहा, तो लड़की ने इसके अंदर शरण लिया, उसके प्रतिफल में काल को श्राप लगा, ये वहां से निष्कासित हुए। अब ये काल की मजबूरी बन गई हमें एक मानव शरीर देने की, इसको श्राप लगा हुआ अपनी भूख मिटाने के लिए। और कबीर परमेश्वर को मालूम था कि इन अपनी प्यारी आत्माओं को मैं इस मानव शरीर में फिर जाकर सत्ज्ञान दूंगा और अपने चरणों में लेकर के इनका फिर उद्धार करके वापस ले आऊंगा। ये जानी जान है, ऐसा इसका ये समाधान समझो। अब फिर प्रश्न ने, क्योंकि ये जो खरपतवार उत्पन्न होते हैं वो या तो बहुत ही अनजान होते हैं, या वो किसी गलत गुरु के फंसे हुए होते हैं और वो गुरु लोग उनमें ये गलत मैटर भरते रहते हैं कि ये प्रश्न करो, ये करो, क्योंकि उनके पास अब जवाब नहीं है। वो कितने दिन इन भोली आत्माओं को गुमराह कर सकते हैं? आज सब बहन बेटियां एजुकेटेड हैं, सब बहन भाई एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये गलत गुरु इन भोली आत्माओं को भरमा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो अनजान हैं और वो चतुर व्यक्ति हैं, वो मन गुरु जी, और वो प्रभु की प्यासी आत्माएं हैं, वो भटक रही हैं, उस अपने प्यारे प्रभु को तलाश कर रही हैं। लेकिन ये इन ठगों का फंस गई जिनको स्वयं ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है, कोई निराकार बताता है, कोई निराकार है, परमात्मा की कोई स्थिति नहीं है, कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है, ये तो अजर अमर है, ये सर्वशक्तिमान है। तो वो ऐसे गुरु आपको अब फिर विचलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, फिर भी समाधान आपको मिलता रहेगा। एक ने प्रश्न किया कि यदि हम सतलोक चले जाएं और फिर भी गलती कर सकते हैं, कभी नहीं, जैसे उत्तर है कभी नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप किसी सफर पर जा रहे हो और आप गलत रास्ते हो लेते हो, रास्ते में दलदल आती है, उबड़ खाबड़ स्थान है, रास्ते में बदमाश टकराते हैं, और आपको कोई पहले कह रहा होता कि इधर से जाओ, रास्ता लंबा बेसक है पर ठीक है, और आप ने अपनी सूझबूझ से उधर चलना शुरू कर दिया हो, रास्ते में बदमाश टकरावे और आपको तंग करे, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे, हे प्रभु अब के ठीक ठाक यहां से बचा दो, इस रास्ते जिंदगी भर नहीं आएंगे, और ऐसा ही करोगे। एक बार अब हम काल की पीड़ा से, अपने ही नादानी से, अपने ही कमजोरी से आज हम पैर पे कवाड़ा मार के स्वयं ही दुख पा रहे हैं, और वो दयालु अब भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और हमें फिर अपने शरण में लेना चाहते हैं। अब इसकी एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे, इधर देखेंगे नहीं जिंदगी में कभी भी, हम इधर थूकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम यहां से चले जाएंगे तो इस खतरों का हमें और विशेष ज्ञान होगा, इसलिए हम दोबारा इधर नहीं आ सकते। हम तो गलती कर नहीं सकते,
और अन्य करेंगे उनको फिर सजा मिलेगी। दूसरा प्रश्न और प्रश्न किया कि जैसे सथूल शरीर को तो हम फूंक देते हैं, ये पांच तत्वों का शरीर है, कोई जला देता है, कोई कब्र में गाड़ देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है और कोई किसी प्रकार से इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर ये खाने वाली बात समझ में नहीं आई, वो खाता किस चीज को है काल? अब यही सोच अधूरी हमारी, तभी तो हम यहां उलझे हुए हैं। अब जैसे बादाम, आपने देखा होगा बादाम, बादाम के ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, छिलका नहीं खाने का होता, उसके अंदर एक और गिरी होती है, वो खाई जाती है। ऐसा ये फॉर एग्जांपल समझो, वास्तव में कैसा है कि मानव शरीर में जितने भी हम चटपटे खट्टे मीठे पदार्थ आहार करते हैं, क्योंकि मन स्वयं काल है और इसकी आदत है चटपटे भोजन खाने की, मांस मिट्टी शराब सुल्फा पीने और खाने की, क्योंकि इससे इस सूक्ष्म शरीर में, इन आहारों से सूक्ष्म इस स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर में एक ऐसा द्रव तैयार करवाता है कि जो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लेप हो जाता है। उसमें जैसे स्पंज सोख लेती है पानी को, चूस लेती है, ऐसे वो सूक्ष्म शरीर इन व्यसनों को जो हम सारे जीवन में आहार करते हैं, पान करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीवे, कोई अफीम खावे, कोई नाना प्रकार के चटपटे भोजन आहार करता है, उससे स्थूल शरीर की परवरिश होने के बाद भी कुछ मैटर बच जाता है और उसका फिर लेप उस सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर एक ऐसा ही सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाता है, जम जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ऊपर ले जाके अपनी तपस्या पर फिर ये जला भून भून के बुरी तरह तड़फा तड़फा के उसमें से वो माल छुटवाता है, वो द्रव छुटवाता है और ये इतना पीड़ा होती है इस जीव को, ये चिल्ला चिल्ला के बुरी तरह रोता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जब इसमें से सारा मैटर निकल लेता है, इसने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, फिर इनको वहां से उड़ा देता है। फिर ये आकर के धर्म राय के पास लेखा जोखा करवाते हैं, फिर कर्म आधार पर इनको फिर 84 लाख जूनिया स्वर्ग नरक आदि प्राप्त होते हैं। और फिर कर्म आधार पर स्वर्ग नरक 84 लाख जूनिया ये अलग से बन, फिर इसलिए काल इनको देता है, ये दंड अलग से होता है। और जीव अजर अमर बताया है, ये मरता नहीं, जीव नहीं मरता, लेकिन इसकी दुर्गति मरने से भी बदतर हो जाती है और फिर कर्माधार पर ही अपने संस्कारों को भोगता रहता है। एक भक्त आत्मा का प्रश्न, ये तो बिल्कुल ही नादान आत्मा का प्रश्न हो सकता है जो उसने किया। उस भक्त आत्मा ने कहा कि महाराज जी, हमने पहली बार आपके मुख से ये सतलोक सुना और शास्त्रों में प्रमाणित देखा, ये तो हृदय ने स्वीकार कर लिया कि वो स्थान सत्य है जो आप बता रहे हो, और वो भक्ति भी सत्य है, और वो मंत्र भी सत्य है जो आपने प्रमाणित बताए कि इन तीन मंत्रों से मुक्ति होगी, वो वेदमय प्रमाण है, गीता भी प्रमाण देती है, तो इससे बड़ा प्रमाण इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं आपसे उपदेश ले लूं और आपकी सत्साधना से मैं सीधा सतलोक चला जाऊं, और कहीं वहां कोई भी ना मिले, मैं अकेला ही पहुंच जाऊं तो वहां मेरा दिल नहीं लगे। तब मैंने उससे कहा, नादान, आप इस काल लोक में कितने सुखी हो, कभी गधे बनोगे, कभी सूअर बनोगे, 84 लाख जोनियों में कष्ट उठाओगे, यहां क्या दिल लग रहा आपका? वो नादान क्या कहता है, जी यहां घूमते फिरते तो नजर आते हैं, गधे बनकर भी दिल लगा रहता है। अब यहां हमारी सोच इतनी गिर चुकी है कि यहां पीड़ाओं पर पीड़ा सहन करते करते भी हमारा हृदय यहां से दूर जाने को नहीं करता। ये कारण क्या है? ये भगवान विष्णु जी की मेहरबानी है।
इसने हमारे यहाँ एक सतीथी बनाई हुई है, हमारे को यहाँ पर फंसाया हुआ है, यहां से हमारा हृदय नहीं हिलने देते। इसलिए इस त्रिगुणमयी माया कहा है। ब्रह्मा हमारे अंदर रजोगुण पैदा करता है यहाँ के ठाठो बाठ की उपलब्धि के लिए, ना जाने क्या क्या अनर्थ कर देते हैं हम, और फिर ये हमारे पास रहते भी नहीं। ना कार रहती है, ना कोठी रहती है, ना संतान रहती है, ना संपत्ति रहती है, और जब तक ये शरीर रहता है हमारी वृत्ति ये खराब रहती है। ये भी जोड़ दूं, ये भी बना लूं, ये सुविधा उपलब्ध कर लूं, ये शरीर ही छूट जाता है, फिर ये प्राणी रो रो के टक्कर मारता है। अब ये सत्ज्ञान से धीरे धीरे आपका हृदय यहां से हट जाएगा। अब प्रश्न रहा कि एक भक्त ने कहा जी फिर परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है इसको भी जन्म मरण में किस लिए बनाया गया। इसने जब क्षर पुरुष ने अर्थात इस ब्रह्म ने तप किया और राज प्राप्त किया, 21 ब्रह्मांड जब इसने पाए काल ने, उस समय इस अक्षर पुरुष के मन में भी ये आया कि क्यों ना मैं भी अपना अलग स्थान बना लूं। अब वहां पर इतना भी कमजोरी अगर आ जाती है तो भी ये जीव वहां रहने के योग्य नहीं होता। अब ये जो गलतियां वहां पर होनी थी वो हो चुकी, और इन गलतियों के कारण अन्य जो बची हुई आत्मा है वो बिल्कुल सावधान होगी, अब वो गलती नहीं करते। अब जैसे कोई जा रहा हो और एक को पागल कुत्ता काट ले और बाकी भी जा रहे हैं और फिर वो रोता हुआ भाग रहा है, इधर पागल कुत्ता है तो उधर कोई नहीं जाएगा, सब वापस भाग लेंगे। ऐसे ही ये जो गलतियां की जिन्होंने उन्हें सजाएं पाई और आगे बैन लग गया, क्योंकि सबको पता लग गया कि ऐसे निर्मल स्थान को छोड़ के और कहीं ठिकाना नहीं है, क्योंकि वापस यहां से दुख पाकर के वापस गई हुई आत्माओं ने वहां सभी को सचेत कर दिया कि उस काल लोक जैसा कष्ट कहीं पर नहीं है, हमने गलती की और हमारे दयालु परमेश्वर ने हमारे ऊपर फिर रहम किया। ये परब्रह्म की जो का सात संख ब्रह्मांड बनाए उसमें कुछ आत्माएं इन सबके आने के बाद इनके भी कुछ हृदय में इनकी आत्मा, यानी अब दो एक भक्त ने प्रश्न किया कि जब वहां मन तो है ही नहीं, आप ही बता रहे हो कि काल ही मन है और मन वहां है नहीं, तो फिर आत्मा वो मन कैसे हुआ उस निरंजन में। अब ये आत्मा भी की भी सोच होती है, मन तो यहां इस काल लोक में है, यहां इसने डबल बना रखा है अपना भी प्रभुता, मन इस आत्मा की सोच को यहां बिल्कुल खराब कर देता है, और आत्मा की भी अपनी सोच होती है, तो वहां अपनी सोच से उन बाकी कुछ आत्माओं ने जो सात संख ब्रह्मांडों में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने भी ये सोचा था कि शायद हम भी उसमें स्वीकृति दे देते तो वहां चले जाते, इनके मन में ऐसा आया था, और उनकी भी सजा इनको इतनी ही मिली कि इस पारब्रह्म का अलग से एक स्थान बनाया और उसमें उन बाकी की आत्माओं को वहां भेज दिया। अब जो आत्मा परब्रह्म के लोक में रहती हैं, अब उनको ज्ञान हो गया कि वो तो बहुत परेशान है नीचे के लोकों की व्यक्ति, जितनी आत्मा गई है अब वो कभी नीचे की वृत्ति नहीं रखते, और जो आत्माएं यहां सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम, सतनाम कौन सा होता है, दो मंत्र का, एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है, और जो अधिकारी संत होते हैं वही देव है तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर हैं,
और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जो ओम नाम की कमाई ये सारी यहां छोड़ दी जाती है इस काल के लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि अर्जुन तू मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग दे। पूजा कौन सी? जो ओम नाम की कमाई, यज्ञ, हवन, धर्म, ये जाप की कमाई यहां छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा तेरे से उतर जाएगा, यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म मुक्त हुआ। वो आत्मा फिर इस पारब्रह्म के लोक में चली जाती है और वो लोक एक तो वहां पर ये खाता नहीं, जैसा मैंने पूर्व बताया कि पूर्ण परमात्मा तो खाने वाले, वेद में लिखा है ऋग्वेद में कि खाने वाले और न खाने वाले इन दोनों भगवानों से भी बड़ा है। खाने वाला काल है, न खाने वाला ये परब्रह्म है, इनसे भी बड़ा है अर्थात वो सतपुरुष है। तो वो परब्रह्म जीव आहार नहीं करता, उसने ऐसी गलती कोई नहीं की, लेकिन मन में फिर भी थोड़ी कमजोरी, उसकी आत्मा में थोड़ी सी वीकनेस आई थी, तो उसका भी सजा उसको भोगना पड़ा। तो वहां ये यहां के हंस फिर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर इतना बढ़िया शरीर है, यहां के देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। जैसा कि आपको बताया था कि यहां के देवताओं का तो शरीर है जैसे चीनी का कप बना हो, सफेद कप जो चाय पीते हैं, और हमारा मिट्टी का बना हो सीधा ही, इतना कमजोर है। और जो परब्रह्म के लोक में परब्रह्म और वहां के रहने वाले जितने हंस हैं उनका सटील का समझो इससे ज्यादा सथाई है, लेकिन है नासवान फिर भी। अब ये सोचकर इस पर ब्रह्म को समझना, इसकी उत्पत्ति यूं हुई। और फिर जो सत भक्ति करता है और जिसको सतनाम भी मिल गया और कमाई फिर भी पूरी नहीं हुई और साथ में यहां की कोई इच्छा आपकी रह जाती है, तो कबीर परमेश्वर हर ब्रह्मांड में अपना अलग स्थान बनाकर रहता है। इन आत्माओं को जिनकी अधूरी कमाई है, भक्ति पूरी नहीं हो पाई कि काल के ऋण से मुक्त अभी नहीं हो पाए और परब्रह्म का भी, क्योंकि परब्रह्म के लोक को पार करना है उसका भी ऋण देना है, वो दूसरे मंत्र से तत्मंत्र से कमाई करनी है, वो तत्मंत्र संकेतिक है। इन दोनों का मिलकर जब ये योग्य हो जाएगा, दोनों का ऋण उतरने योग्य हो जाएगा, तब ये कबीर परमेश्वर इनको सारनाम देकर सारनाम की कमाई साथ करवा कर और फिर यहां से सतलोक ले जाएगा। जब तक आपकी पूरी कमाई नहीं बनी होगी तो आपको यही रखेगा और आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा इस लोक में रह जाती है तो भी इसी ब्रह्मांड में एक स्थान ऐसा है, वहां कबीर परमेश्वर आपको रखेगा। वहां पर आपको तपतशिला पर नहीं जाने देगा, तपतशिला पर नहीं जाने देगा और न ही कुत्ते गधे सूअर बनने देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी और साथ में आपके पाप कर्मों परमेश्वर कबीर साहब काटता रहेगा। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की ही पड़ी पुराने गा।